जय गुरु। चले आज परम पूजनीय बावेदा के बोले हुए स्पीच का कुछ अंश आलोचना करेंगे। असीम ईश्वर ससीम हुए हैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में। हम उनकी पूजा पाठ करके उनको ऊंचा आसमान में क्यों चढ़ाएंगे, उनके हर गुण को अपनाने की कोशिश करेंगे। हर अभिव्यक्ति को अपनाने की कोशिश करेंगे। चरण पूजा का मतलब है चलन पूजा, चलन अपनाने की कोशिश करेंगे। यही है फायदा। हम लोग जब प्रणाम करते हैं तो हम लोग ऐसे करके प्रणाम करते हैं जैसा हम कर रहे हैं, देख लीजिएगा, ज़मीन पर सर टेक कर प्रणाम करते हुए हम लोग ऐसा करके प्रणाम करते हैं। क्यों? हमारा पैर है चलने का प्रतीक, हाथ जो रखते हैं भूमि पर वो है कर्म का प्रतीक, माथा जब टेकते हैं ये है ज्ञान बुद्धि चेतना का प्रतीक। मेरा चलन करण ज्ञान सब हम गुरु के चरण में अर्पण करते हैं ताकि वे इन सब को परिचालित करें। और मन में जब प्रणाम करते हैं तो उनके गुण का चिंतन करते हुए प्रणाम करना चाहिए ताकि उन गुणों को खुद अपना कर हम अपने जीवन में चल सकें। हम उनके चलन में चलना चाहते हैं इसलिए उनके चरण में प्रणाम करते हैं। चरण पूजा मतलब चलन पूजा, चलन अपनाने का अनुशीलना। प्रणाम का एक और तात्पर्य है सेवा। सेवा में है शांति स्वस्ति और आनंद। प्रणाम भी जिनको करेंगे उन्हें शांति स्वस्ति और आनंद आ रहा है कि नहीं वो भी देखना जरूरी है। हम यह बात यहाँ पटना में बोले हैं, आप पूरे बिहार में बोलिए यह बात कि हम लोग ऐसे करके प्रणाम नहीं करते हैं। ज़रूरत हुआ तो हम लोग हाथ जोड़कर भी खड़ा रह सकते हैं, मन से भी प्रणाम कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं। जय गुरु।